हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फरीद, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल टंगडार, जून टंगडार। वी आर रीडिंग इंग्लिश सेवेंथ क्लास वी हैव टू डू द टू क्वेश्चन that have been left on page number 50. That is question number 6. Why is the speaker willing to take the register or message to the office and the classrooms? Yani बोलने वाला रजिस्टर या पैगाम दफ्तर या जमातों में ले जाने का ख्वाहिशमंद क्यों है? तो इसका जवाब आएगा, बिकॉज ही कैन देन लुक एट द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स विद देयर कलरफुल पिक्चर जैकेट्स। क्योंकि जब वो ऐसा करेगा, आएगा जाएगा, तो उसी वजह से वो रंग बिरंगी तस्वीरों वाले खोलों के अंदर सैकड़ों किताबें देख सकता है। हु इज आई इन दिस पोम, इस नज़म में मैं कौन है? हु इज आई इन दिस पोम, तो इसका जवाब है मेरे ख्याल से वो एक तालबिल्म है जो स्कूल में पढ़ता है। आई थिंक ही इज ए स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल। तो इस तरह हमारा ये कल का बचा हुआ जो इसका सबक का पोर्शन था, ये कंप्लीट होता है। तो आगे हम जाते हैं पेज नंबर 51 पे, लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी ये जो वर्ड दिए गए हैं नीचे, इनसे आने वाली खाली जगह इनको पुर करना है। लुक्स विलिंग, क्लासरूम्स, वाटरफॉल्स, अफ्रीका, वॉक्स, सीज, विजिटेड। तो ब्लैंक्स हैं, छोटा सा पैरा है। द पोम इज अबाउट ए स्टूडेंट हु डैश डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर एंड डैश डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट वन जो ब्लैंक है उसमें आएगा द पोम इज अबाउट ए स्टूडेंट हु वॉक्स डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर एंड सीज डिफरेंट थिंग्स। He dash onto the world's through window. He has never dash. He gazes onto the world's through a window. He has never visited. He also sees elephants in dash. A jet airliner cruising far above the white clouds, dash icebergs and many other things. He also sees elephants in Africa. यहाँ जो ब्लैंक है उसमें अफ्रीका आएगा। A jet airliner cruising far above the
वाइट क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ही इज ऑलवेज डैश टू कैरी मैसेज और रजिस्टर्स टू अनदर डैश और ऑफिस एज इट गिव्स हिम ए चांस ऑफ सीइंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। ही इज ऑलवेज willing to carry messages or register to other classrooms or offices as it gives him a chance of seeing these things again and again। तो इस तरह हमारा ये जो लैंग्वेज वर्क का फर्स्ट पार्ट था ये भी कंप्लीट होता है। तो इसका आगे है सेकंड पार्ट जो है, राइट डाउन एट लीस्ट 5 वर्ड्स विच हैव बीन रिपीटेड इन द पोएम। तो यहाँ 5 वर्ड ऐसे लिखने हैं जो कि मुकर्रर इस्तेमाल किए गए हैं पोएम में। तो अगर आप देखेंगे पोएम को, यहाँ कौन कौन से वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें बुक्स है, प्लेग्राउंड, एलिफेंट, क्लाउड, ऑफिस। और है वॉक है, कॉरिडोर, वर्ल्ड्स, विजिटेड, विंडो। ये जो वर्ड हैं ये रिपीटेडली इस पोएम में इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरह हमारा आज का ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। शुक्रिया, अस्सलाम।